हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है कि हम सोम का बीपीएम कैसे बढ़ाएं एफिलिएट स्टूडियो मोबाइल में। और मन चाहे आप बीपीएम को बढ़ा के और ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी बीपीएम, चाहे लो या फास्ट। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं होता है, बस एक ट्रिक है, उससे आप जितना चाहे बीपीएम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। देखो, जब आप डीजे रिमिक्सिंग करेंगे उसके लिए या तो आप ज़्यादा बीपीएम चाह रहे हैं या फिर स्लो उसका करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम ना तो MP3 इसका सेव करेंगे, बस आप जो ट्रैक लाएंगे यहाँ पे मिक्सिंग के लिए और उसी को हम ऑटोमेटिक यहीं से इसका बीपीएम सेट करेंगे, कितना बीपीएम इसे चाहिए। आप चाहे 200 कर दो, 300 कर दो, गाना कहीं भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोसेस है आपको यूट्यूब पे नहीं लोग बताते हैं। तो इसमें करना क्या है, देखो हमारे पास एक FLP है। अब जैसे कि आपने किसी का FLP डाउनलोड किया और आप चाहते हो इस बीपीएम पे इसने बनाया, तो हम इसका ज़्यादा BPM कर सकते हैं या फिर उससे स्लो कर सकते हैं और गाना हमारा वही रहना चाहिए। तो इसके लिए आपके ट्रिक एक ही काम करता है। सबसे पहले जो हमारे पास FLP है, आप इसमें एक बार मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ और आप देखो वाकई में ये सही बज रहा है या नहीं। इसका BPM है 132 और हम स्पीकर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उतना आपको भर 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 की आवाज़ आएगी, मगर फ़िलहाल के लिए आपका 100% जब आप ट्राई करेंगे तो आपका BPM पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉन्ग आपका चाहे 200 BPM रखो या मतलब कम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल गाने के साथ ये कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा सॉन्ग वाकई में खूब बढ़िया बज रहा है, क्योंकि इसका BPM है। तो इसमें आप देखोगे किक वगैरह आप देख सकते हो पूरा एकदम फिट बैठा है। और अगर यहाँ से हम BPM इसका बढ़ा देते हैं तो आप देखो, और हमने 10 BPM इसका बढ़ाया तो इसका देखो कहाँ पे इसका किक आ गया। और हम अगर इसे प्ले करेंगे तो पूरी तरह से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। हम इसी टाइप से प्ले करते हैं, आप देखो। तो आप देख सकते हो पूरा खड़बड़ा गया सॉन्ग। अगर हम इसका और बढ़ा देंगे BPM और ज़्यादा खड़बड़ा जाएगा। अब देख लो BPM 132 था और इसका 52 हो गया, और हम प्ले करेंगे पूरा ख़राब सॉन्ग हमने कर लिया है। तो आप देख सकते हो पूरा सॉन्ग हमारा ख़राब हो गया। अब इसे हम BPM को घटाएंगे और सेम BPM पे लाएंगे। तो हमारा BPM सेम हो चुका है और सेम जगह पे ये एडजस्ट हो चुका ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हो पूरा सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, BPM में घटाना है या बढ़ाना है, तो सबसे पहले इस पे सॉन्ग पे एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ से आप देखेंगे इस पे आपको आ जाना है। आ जाने के बाद होंड प्रेस करेंगे। होंड प्रेस करने के बाद आपको साइंस आल सैंपल लिखा है, इस पर टैप करेंगे। पूरा सॉन्ग एक बार रिफ्रेश होगा और आप चाहें तो मनचाही आप BPM सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें आप 200 BPM रखो या इससे चाहे 100-200 कर दो, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। और इसका BPM हम बढ़ाएंगे और एक बार इसका BPM सेम है तो इस पर एक बार प्ले करेंगे। तो आप देख रहे हो कितना बढ़िया हमारा बज रहा है। अब BPM इसका बढ़ाएंगे, क्या वाकई में ये मतलब सेट नहीं हो पाएगा? आप देखो इसका डीमो परफेक्ट सेट हो जाएगा। यही BPM हमने 152 कर दिया है, फिर से 152 कर दिया है इसका BPM, और अब देखो ये सही में बजेगा या फिर खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा कितना बढ़िया बज रहा है और BPM बढ़ा दिया हमने।
और इससे और भी फर्स्ट करना है, आप चाहे जितना बीपीएम बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, अब ये पूरा काम करता रहेगा। मान लो अब हमने 172 बीपीएम इसका कर दिया, और हम इसे प्ले करेंगे, आप देखो ये सही में बजेगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जितना बीपीएम बढ़ रहा, हमारा यहाँ पे पेंटरन ही नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ से खाली स्पीड बढ़ती है, गाना वही रहता है, और बाकी में जो हम अदर एप्लीकेशन में जाके करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती। तो आप ये फुल स्टूडियो में कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा बीपीएम मैच हो रहा। उसके साथ अब हम स्लो करेंगे इसे बीपीएम को। अब मान लो इसका 132 ओरिजिनल बीपीएम था, अब हमने कर दिया 122 कर दिया, ये वाकई में चलेगा या नहीं? आप देख सकते हो सिलो पे भी फिट हो रहा है, कहीं पे सॉन्ग हमारा नहीं भागेगा, और इससे भी हम कम करेंगे। अब मान लो इसका बीपीएम 132 था, और अब देखो बीपीएम इसका कहाँ पे हमने कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और आपको इस टाइप से बीपीएम बढ़ा लेना है या फिर कम कर लेना है, किसी का एफएलपी हो या फिर आप न्यू गाने के साथ रिमिक्सिंग कर रहे हो, एक बार आल सिंपल करेंगे, हॉर्न प्रेस करेंगे, आन सिंपल पे साइंस करेंगे, रिफ्रेश होगा सॉन्ग, आप मनचाहे बीपीएम बढ़ा सकते हैं। ये परफेक्ट 100% वर्किंग है, आपको इस टाइप से कोई नहीं बताता है, मैं आपको इस टाइप से बता दिया हूँ, और आप चाहे किसी भी एप्लीकेशन में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। आपको एक बार बीपीएम गाने का ओरिजिनल मालूम होना चाहिए, आपको एक बार मैच कराना चाहिए बीट वाई, और फिर उसके बाद आप हॉन्ट प्रेस करेंगे, साइन सैंपल करेंगे, उसके बाद आपका बीपीएम मनचाहे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा।